हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक यू गाइस माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। तो गाइस क्या बोलते, अभी मेरा दूसरा दिन है, तीसरा दिन है इधर। तो अपने दादी घर पे दाद के मेरे, ये मेरे दाद का है, तो इधर ये मेरे। तो भाई सुबह सुबह जो फील आता है ना गांव की, वो अच्छी लगती है, यहाँ पे आती है। दिखाता हूँ आप, यही फील ना भाई शहर में नहीं मिलता। शहर में ये फील नहीं आपको मिलेगा, तो ये फील भी नहीं होगा ना मिलेगा आपको ये शहर में। सुबह उठते ही भाई, सुबह सुबह गाय वगैरह, बकरी, कुकड़, मुर्गी, या पता नहीं क्या क्या नज़र आता है सुबह। जो मेरी बहन है वो तो कल चली गई थी, तो ताऊ की लड़की थी मेरी बहन थी, वो तो चली गई थी, तो उसके हस्बैंड तो वो भी चली गए, तो आज मैं चला जाऊंगा लुधियाना। बट ठीक है, आज लुधियाने के लिए निकल जाएंगे, तो लेकिन ये फील किधर ही रहेगा। तो ठंड ठुंड तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पिछली बार आया था काफ़ी ठंड थी, तो इस बार ठंड तो इतनी नहीं है, तो फोक भी नहीं है इतनी, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो ये दीदी है अपना काम वगैरह कर रहे घर का। तो भाई इधर का पानी इतना ज़्यादा हीट मारता ना, हीट मतलब गर्म में ना गर्म होता है, नहाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना। लोगों के शहरों में जाते हैं हम लोग, हमें गीज़र या रोड लगाना पड़ता है पानी गर्म गर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भाई क्या बोलते हैं अपना, आप कुछ ही करना, बस ताज़े पानी से नहाना है, ना मोटर ना कुछ, पता नहीं किधर से पानी आता है भाई। ये देखो कैसे फिर है गाँव का माहौल, देखो भाई ऐसे लोग फिरते रहते हैं, जानवर वगैरह। मान लो ब्लैक कुकड़ भाई, पूरा ब्लैक है ये, इसका ब्लड है वही ब्लैक ही है, पैर भी इसका ब्लैक है भाई। तो गाइस अभी मैं नहा लूँ फिर रेडी हो गया भाई, तो कपड़े भी डाल लिए, तो भाई लुधियाना निकलना है मैंने अभी। तो बस अभी क्या बोलते अपना, मैं ब्रेकफास्ट करूँगा नाश्ता नुश्ता करके। तो भाई ये क्या बोलते हैं, वो मेरे भैया हैं, तो भाई ये इनका डॉगी है जर्मन शेफर्ड। तो भाई इन्होंने बकरी भी रखी हुई है, गायें वगैरह भी रखी हुई है, तो इन्होंने भाई सब कुछ रखा हुआ है। और देखो उन्होंने गाय करके, ये देखो ये उनका डोगी है भैया का, ओए ओए, ये बकरी है भैया की, है जो खड़े ये भैया मेरे, तीन की भाई बकरी है इनके डोगी। गाड़ी सभी क्या बोलते हैं, लोग घर से निकल चुके हैं, अभी हम लोग ऑटो में बैठे हैं, अभी हम लोग ऑटो में हैं, तो भी ऑटो में हम जहाँ से सीधा जाएंगे बुआई घर पे, अम्मा को तो मिल लिया, तो उधर से हम थाने में निकल जाएंगे, अम्मा को बुआ को मिल गए, तो अभी बुआई का फिर आ गया मैं, तो पीछे बुआ आ रही, वो देखो वहाँ पर रात को भी देर रुकूंगा, कल तो कल सुबह निकलूंगा लुधियाना के लिए। तो गाइस ये मेरी बुआ, तो इधर ही आया हूँ मैं, तो हम लोग बैठे। तो गाइस मेरी बुआ मेरे लिए मटर लेके आई है, ये देखो खाने के लिए। भाई ये देखो अभी आ रही है गाड़ी, दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई साहब कितनी बड़ी है यार, इंजन देखो गाइस इतना बड़ा है भाई, गाइस ये कनक कुनक काटते हैं ना, तो ये वहां पे इस्तेमाल इसको करते हैं भाई, जा रहे हैं ये भुआ है मेरी, उनसे बताया ये क्या बोलते यूपी बिहार पता नहीं कहाँ कहाँ तक, दूर दूर तक जाते हैं भाई वो, एक दो दो अभी तीसरी एक और इनके पास, वो भी निकल चुकी है। तो गाइस अभी क्या बात है, हम धूप में बैठे, टाइम हो रहा है क्या बोलते दोपहर के ढाई, तो हमने चटनी पीसने वाले छत पे, ये देखो तो हम चटनी खाएंगे, चटनी और चावल। तो गाइस ये देखो हम चटनी खाने वाले, मेरी बुआ मुझे चटनी खाएगी आज, चावल और चटनी, और ये देखो चटनी की तैयारी हो रही है, तो हम चावल और चटनी खाएंगे। तो गाइस अभी दोपहर के 3:30 हो रहे हैं, तो चटनी ये चावल मटर ले और साथ में दही, तो बुआ ने ये बनाया था, तो ये खाएंगे बन के रेडी हो गए, तो ये टेस्ट करते हैं, बताता हूँ कैसे बने। काफ़ी बढ़िया बने, अच्छे से बने, अभी तो खाते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी मैं बाहर आया हूँ चटनी लेने के लिए, तो बुआ ने घर पर बनाया गया दही बल्ले, तो वो कहने चटनी लिया, फिर मैं चटनी लेने के लिए आया हूँ। 80 रुपये का डब्बा, क्या क्या देते हैं इसके बीच में? अच्छा, तो भाई एक पनीर पकौड़ा, गुलाब जामुन और एक समोसा इसमें पैक, ये ऐसे बना के देते हैं, 80-80 रुपये का डब्बा होता है इसमें। तो गाइस अभी मुझे बताया अंकल ने, ऑर्डर है किसी का, क्या बोलते हैं जन्मदिन का ऑर्डर है किसी का, आर्मी का है, ओके ये आर्मी फंक्शन का किसी का भाई ऑर्डर है, तो अंकल ने मुझे बताया ये वहाँ पे जा रहा है, ये उड़ेगा ना फट जाएगा, मुझे उड़ाने दे एक बार, ठीक दे मैं उड़ाता हूँ। तो इन दोनों के साथ हैं, तो ऊपर आने से क्या डर रहा था, हाँ गाइस सच में ऊपर आने से डर रहा था, क्या हुआ
यहाँ बनेरे नहीं है, कुछ नहीं है ऊपर से, यहाँ पे पौड़ी भी नहीं है। ये देखो यहाँ से आना पड़ रहा था तो मैं डर रहा था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। ऊपर देखो कितना अच्छा माहौल है, आप देख सकते हो, मज़ा भी आ रहा है। तो सामने भाई वो घर देखो, इतना अच्छा घर है। तो गाइस ये देखो अपनी फैंकिन लगाई जैकेट वगैरह, अबे जैकेट को पीट पीट जैकेट को, ये ले मार पकड़ के इसको, मार जैकेट को। वो देखो गाइस कैसे मार रहा है अपनी जैकेट को, पीट रहा है देख कैसे मार रहा है। वो कार्टून चल रहा है और या अरे मार इसको, और मार इसको, ये ले ए ले पकड़ के उठा के मार इसको, फिर से उठा के मार इसको तो गाइस ये इतना शरारती है ना, बहुत ज्यादा शरारती है। वो देख हेलो गाइस अभी सोच रहा क्या करो, किसको करूँ अभी तो फिर गए थे। तो गाइस ये इतना शरारती है ना, बहुत ज़्यादा शरारती है। ये मेरे भैया का लड़का है, मैं बुआ जी के बेटे का लड़का। हेलो बोल दो गाइस, हेलो बोल रहा है आप सभी को। गाइस ये कैमरे को देखा, भी खुश हो रहा है कैमरे को। ये तो कुछ भी नहीं सुन रहा, ये पूरा का पूरा चल चुका है। ये ना ब्रश को लेकर नहीं, धोनी गया तो गाइस ये कह रहे हैं विराट कोहली का बैट है मेरे पास।